आज का जो दिन है यह भक्ति विनोद ठाकुर का 13 भाव दिवस। फिर जब अगला कथा होगा तो उसमें आपको भगवान के इसके बाद का कथा सुनाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा दिन है भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सोच रहे हैं बहुत साधारण व्यक्ति है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोग अपना आइडियल मान सकते हैं। बोलेंगे क्यों, ये भी गृहस्थ थे, हम इसके बहुत नजदीक हैं, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ हैं। और गृहस्थ के आश्रम में रह करके कोई कैसे भजन करे, कोई कैसे भक्ति करे, इनसे बढ़िया और कोई नहीं सीखा। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप मिडिल में, मिडिल नहीं हो रहा मतलब ऐसा उधर से थर्ड इधर से फोर्थ है ना, तो वो है कौन, भक्ति विनोद ठाकुर। नाम बोले क्या था, भक्ति विनोद ठाकुर। इनका जो है बंगाल में बहुत बड़ा जॉब था, मजिस्ट्रेट थे बहुत बड़े पूरे बंगाल एरिया के, और ये भक्ति करते थे ना। अभी आप वैष्णव भजन निकालेंगे ना तो उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा भजन लिखेगा ये जो गौर आरती देख रहे हैं ना, कौन गाया, हाँ लास्ट में देखे लिखा हुआ है, हाँ भक्ति विनोद देखे गौरार संपद, बहुत सारा भजन गाते हैं हम लोग, जय राधा माधव से शुरू होता है कीर्तन, वही तो भक्ति। बच्चे को थोड़ा इधर लगा दिए, माता जी को लगा दिए, कल कल के इधर दर्द कर दीवार पर। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताएं कौन थे, बहुत बड़े मजिस्ट्रेट, और ये इनका दिमाग इतना तेज था, ये देखिए ये मात्र सोते थे 1.5 से 2 घंटा, मात्र 1.5 से 2 घंटा ही सोते थे, और हम लोगों के लिए ऐसा ऐसा बुक लिखे कि जिसको हम लोग पढ़ करके आज सोचिए, कहते हैं ना कि यदि प्रभुपाद न होए तो तब की होए तो ये जीवन बही तो कैसे कैसे बढ़ता, ये जीवन कैसे चलता प्रभुपाद ना होते तो। इनका दिमाग इतना तेज था कि हम आपको इस उदाहरण से समझा सकते हैं, अंग्रेज के शासन काल में ये थे, और 1000 अंग्रेज एक तरफ, 1000 इंग्लिश में एक साइड, और सब अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते थे और जितना केसेस सॉल्व करते थे वो भी 1 महीने में। क्या क्या बोले, बोलिए रिपीट करें, 1000 अंग्रेज जितना केस सॉल्व करते थे कितना दिन में, उतना ही केस को ये अकेले 1 दिन के 1 घंटे में कर देते थे। सोचिए इतना ब्रिलियंट थे, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर भविष्यवाणी किए थे मायापुर में कि जो है कुछ देश का नाम लिए थे, अमेरिका रसिया जापान अलग अलग देशों के नाम है, ये थोड़ा फेमस नाम है इसलिए बोल रहे, वो बहुत देशों का नाम लिए थे, लगभग 25 देशों का नाम लिए थे, और बोले थे कि यहाँ पर आज से लगभग 150 साल बाद जो है भक्त लोग आएंगे, विदेशी भक्त समुन्दर को लांग करके आएंगे, और उनके गले में कंठी माला होगा, माथे में शिखा होगा और तिलक होगा, और हाथ उठा करके हरि बोल का कीर्तन करेंगे, और वो भविष्यवाणी सही होगी। वो आचार्य लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं। सवाल उठा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ, मायापुर कौन कौन गए हैं, बहुत है, तो ये लोग आप लोग देखे होंगे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ, जो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, हम भी वीडियो बनाए हैं वहाँ पे देख सकते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? जैसे गंगा वहां से बहती है, सब बाण उड़ाया, सब डाकू गया, जमीन पते नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ जन्म स्थान कहाँ खोजे अंदाजी। भक्ति विनोद ठाकुर खोज करके निकाले, और कहिएगा वो खोजे वो सही है कैसे मान ले अंदाजी। तो इसका तर्क होता है, शास्त्रों में दिया रहता है कैसे मानना चाहिए। तो ऐसे सबसे पहला वो भौतिक पावर लगाए, वो मजिस्ट्रेट थे पूरे एरिया का, सारा मैप वैप निकाले और उससे कैलकुलेट करके ब्रेथ टेस्ट आई और एग्जैक्ट निकाल दी। फिर भी बहुत सारे लोग बोले कि ये गलत है, कैसे मानने है ना। तो जो है वो शास्त्र से भी लगभग 150 से ज्यादा प्रमाण शास्त्रों से ढूंढ करके निकाले। कोई भी चीज होता है जब तक शास्त्र से वो चीज प्रूफ नहीं किया जाता तब तक मान्य नहीं होता है। वो निकाल करके और जो है वो प्रूफ किए कि यहीं पे जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, फिर भी बोले कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो विद्वान थे वो सब मान लिए, जो शास्त्र स्तर पे विश्वास करते हैं। एक बार वहां पे देखे होंगे गंगा नदी के उस पार उनका घर है, और नदी के उस पार के उनके बालकनी पर से वो मंदिर दिखता है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, टीओबीपी टेम्पल। वो देखे अद्भुत दृश्य, क्या देखे? वो देखे कि बाजयो गोरा चंदे आरती का शोभा, कि बाजयो भगवान का विग्रह मायापुर
जो भगवान कृष्ण है उनका नाम क्या है? राधा माधव अष्ट सखी। देखिए ये है पंच तत्व, यही है पंच चैतन्य महाप्रभु बीच में। असल था ना कीर्तन में कथा ये कि दक्षिण है निताय चंद नित्यानंद प्रभु दक्षिण साइड और बाएं साइड में गदाधर, निकट में अद्वैत श्रीनिवास दोनों साइड, और ये जो दाढ़ी वाले दिख रहे ये अद्वैत आचार्य। तो पंच तत्व इनको कहते हैं। तो जो है वहां पर उनसे पूछा गया, उनका घर का नाम था स्वादन स्वानंद सुखदा कुंज। क्या नाम था उनका? हाँ, आजकल भी बहुत सारे देखते हैं ऐसा कुंज जैसा नाम रहता है घर का, तो ऐसा रखना चाहिए। वृंदावन में भी उनका एक क्वार्टर जैसा घर था, तो उनका भी वही नाम था वृंदावन वाली का। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो है घर का नाम था स्वानंद सुखदा कुंज। सारे भक्त लोग जा करके पूछे कि राधा माधव कहाँ मिलेंगे, है ना, उनसे सवाल पूछने लगे। तो बोलते हैं उसी से मैं लिख दी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंद ब्रज जन रंजन यमुना तीर ये भक्ति विनोद ठाकुर का कलम से लिखा हुआ है। तो ये ऐसे थे, और भक्ति विनोद ठाकुर का जो संतान हुआ इतना बड़ा त्याग किए वो, है ना, इतना बड़ा त्याग तपस्या दान ये सब किए, इनके फल स्वरूप जो है जा करके प्राप्त हुआ वो पुत्र के रूप में प्राप्त होता। पूरा जीवन में कुछ भी करेंगे दान करेंगे, है ना, तप करेंगे तपस्या करेंगे, फलस्वरूप अच्छे पुत्र होंगे और वो आपको पूर्ण नाम के नरक से उद्धार करेगा और भगवान के धाम आप चले जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, उनका जो बेटा हुआ उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन्हीं के शिष्य हुए स्वामी श्रीराम प्रभुपाद। तो सोच लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर के जो बेटा का नाम क्या था, भक्ति सिद्धांत सेकेंड में, और इनका बहुत ही भयंकर इंग्लिश था, अंग्रेज को भी नहीं बुझाता था इतना बोलते थे, डिक्शनरी पलटना पड़ता था अंग्रेज को क्या बोल रहे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट। बच्चे में पूरे बड़े बड़े सन्यासियों को हरा देते थे शास्त्रार्थ में, अगर वो गलत बोल रहे होते मायावाद की तरफ जाते थे। तो सोचिए भक्ति उनको सिंह गुरु कहा जाता, लायन गुरु क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे ऐसे उनका बेटा था, और जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो है जगन्नाथपुरी में विमला देवी का मंदिर है अभी भी, जाके उनसे वो मांगे थे प्रार्थना करके कि अगर हुआ तो हम आपको ही सौंप देंगे पूरा, वो पूरा जीवन भर जो है भगवान के प्रचार करेगा, और वो वही चीज हुआ। तो उनके कृपा से, विमला देवी की कृपा से, चूंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त हुए थे इसलिए उनका बचपन का नाम विमल प्रसाद था। तो हम लोग देखिए आचार्यों के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे भक्ति करेंगे। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स डे, जिसे पेरेंट्स डे आता है तो उसमें भी चीजें हम लोग धीरे धीरे जानते जाएंगे और हर चीज जान जाएंगे, एक एक गोस्वामी के बारे में जानेंगे। तो जो है भक्ति विनोद ठाकुर के जो घर जाएंगे वहां पर एक ट्रेन का पटरी, वो बोले 50 साल पार करना मेरा, हम जो है अब नौकरी करना छोड़ देंगे, हमको भजन करने का समय नहीं मिल रहा, हम लोग का 50 साल होता है तो कहते दूसरा शादी करेंगे। देखते हैं उनको भजन करने का समय, हम बताए थे
पिछले में लोहमस ऋषि का कथा, क्या कितना उम्र होता है हम लोग भजन करने का समय। लोहमस ऋषि थे, एक ब्रह्मा जी का जितना आयु होता है, ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है, कलयुग का होता है 4,32,000 साल, दो गुना होता है त्रेता युग, द्वापर युग, मतलब 8,64,000 साल, और त्रेता युग का होता है 3 गुना, तो कितना हो गया 12,96,000 साल, 4 गुना करेंगे तो 17,28,000 साल, और चारों को जोड़ देंगे तो ये होता है 43,20,000 साल का। और इतना जब जो है एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों का जोड़ के आयु बताएं, और जब ऐसा 1,000 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है सिर्फ, और ऐसा ही 2,000 बार बीतता है टोटल तो जो है एक दिन और एक रात, मतलब एक ही दिन हम लोग गिनते हैं ऐसे। एक दिन ब्रह्मा जी का कितना है सोच लीजिए, हम लोग का करोड़ों करोड़ पीढ़ी पार हो जाएगा, करोड़ों करोड़, सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। बहुत लोग कहेगा कि ये फेंक रहे हैं, विश्वास नहीं, तो फतिंगा का भी उम्र 100 साल होता है, लेकिन उसका हम लोग के तुलना में देखेंगे तो एक दिन होता है। एक के दिन में जन्मता है, शादी करता है, इधर जाके इंटर साइंस कॉलेज या कोलंबस कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ता है, और फिर जो है बूढ़ा होता है, नौकरी करता है, मर जाता है, एक ही दिन। कीट पतंगे बहुत सारे, एक दिन डेढ़ दिन उम्र होता है, तो हम लोग हंस सकते हैं। कीट पतंगे भी सोचते होंगे कि मनुष्य का आयु इतना नहीं हो सकता है 100 साल, ऐसा वो हंसते होंगे कि हम लोग तो इतने जीते, वैसे हम लोग जैसे ब्रह्मा जी के बारे में सोच रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब ऐसा करके ब्रह्मा जी 100 साल जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं, और विष्णु श्वास खींचते हैं, सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में चल जाता है, फिर श्वास छोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। अब सोचिए लोहमस ऋषि का एक रोइया जब टूटा था, कब, जब एक ब्रह्मा मर जाते थे 100 साल में, ऐसा करके पूरा शरीर का जब रोइया टूटता था तब उनका मौत होता। उनसे इंद्र पूछे कि आप घर बनाते क्यों नहीं, तो बोले कि भजन करने का टाइम नहीं बचता इसलिए घर में बना रहे। सोचिए कि हम लोग का उनके सामने क्या औकात है उम्र का, कि लोहमस ऋषि का एक रोइया टूट रहा, एक ब्रह्मा मर रहे, ऐसे सारा रोइया टूटेगा तब मरेंगे। तो वही चीज भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि मेरा 50 साल प्लस भजन का करने का समय नहीं बच रहा है, उम्र हो रहा है, हमको रिटायरमेंट चाहिए, हम रिजाइन कर रहे हैं। तो बोले क्यों, तो बोले कि 3 घंटा जाने में लगता है, 3 घंटा आने में लगता है ट्रेन से, तो समय चल जाता है, ऐसे बर्बाद हो जाता है। तो बोले कि हम लोग कुछ करते हैं, अंग्रेज लोग मीटिंग बैठाए फटाफट एकदम कि अरे इतना कीमती हीरा ना निकल जाए। सोचिए कि महीनों का 1,000 अंग्रेज मिल के एक तरफ जितना काम कर रहे हैं वो अकेला 1 घंटा में कर रहे हैं, ऐसा बुद्धि वाला चला जाएगा, कितना बड़ा लॉस था है ना सरकार को। तो वो क्या किए कि ऐसा करते हैं, अकेला व्यक्ति के लिए सिंगल ट्रेन बैठा देते हैं, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ पूरा धरती पर कि कोई अकेला व्यक्ति के लिए ट्रेन चला। सोच लीजिए, उनके घर से पटरी जोड़ा गया, अभी भी वो पटरी है, जाएंगे तो आप देख सकते हैं, वो अकेले जाते थे, उनके लिए ट्रेन वेट करता है, आए फटाक से बैठे, आधे घंटे में ऑफिस गए और आधे घंटे में आए, और 5 घंटा का बचत हो गया। सोच लीजिए, ऐसे थे भक्ति विनोद ठाकुर, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, कोई व्यक्ति साधारण होता उसके लिए ट्रेन चलता अकेला, हम लोग जाते तो पोचा के घुसा के बैठना पड़ता है ट्रेन में, कोई पूछता नहीं, दर्शन मार के उधर कर देगा, जब भीड़ में रहते तो ऑटोमेटिक चढ़ जाते हैं, कोशिश करते भी नहीं, भीड़ में खड़ा रहिए लोग ऑटोमेटिक चढ़ा देगा आपको। तो ये होता है पूरा, ऐसा VIP ट्रीटमेंट उनको मिलता है। हम ऐसे आचार्य के परंपरा में आते हैं, ऐसे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, कितना गर्व वाला बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।